घटिया निर्माण का, घटिया निर्माण का क्या वो निर्माण में समझते हैं क्या? निर्माण क्या होता है समझते हैं क्या? क्योंकि महल तो उन्होंने का उनका किसी दूसरे ने बनाया है। एक बता दें कि किसी को कोई किसी प्रकार का घटिया निर्माण है, सिर्फ कहने से क्या होता है? इतना अच्छा निर्माण किया गया है और देखिए नया निर्माण है, इसमें कुछ ना कुछ टूट फूट भी अगर होती है तो उसके लिए भी तो अभी काम चालू है, काम चालू है। बाकी कहीं पर भी कोई इतना अगर मान लीजिए घटिया निर्माण होता तो यह सैकड़ों की तादाद में क्या ये लोग यहाँ पर आ जाते? तो लोगों को जो भ्रामक संदेश दे रहे हैं उनके लिए क्या? भ्रामक संदेश वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उनकी राजनीति गुदरों के बीच में ख़त्म हो गई। मोटी बात ये है कि वो ये चाहते थे, क्योंकि उन्होंने तो शुरू में विरोध किया था। जब शुरू में एक फावड़ा चलाने के लिए यहाँ पर UIT के कर्मचारी आए थे तो बाकायदा वो तो 100-200 आदमी लेकर के यहाँ पर विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस को देख करके फिर वापस चले गए। क्या किया इन्होंने? 10 साल तक ये शासन में रहे, लेकिन 10 साल में इन्होंने कभी अपने समाज के लोगों की भी कथा नहीं पूछी। धारीवाल जी ने देवनारायण योजना के उद्घाटन में कहा है कि प्रहलाद गुंजल की राजनीति खत्म हो गई। धारीवाल जी, ये तो आपके कहने से काम नहीं चलेगा। 2023 के चुनाव में जनता तय कर देगी कि राजनीति आपकी खत्म होने वाली है, मेरी खत्म होने वाली है। रही बात निर्माण के बारे में, मैं नहीं जानता, आपने कहा ठीक है आप ज्यादा जानते हो। जब जब आप राज में आते हो तो गुलशन राय और अनुभ्रतिया प्रकट हो जाते हैं और किस तरीके का निर्माण करते हैं सारा कोटा जानता है, और उस निर्माण में किसका कितना कमीशन है और पर्दे के पीछे किसकी कितनी पार्टनरशिप है ये भी जरा शहर को बता दो। सार्वजनिक नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से सारा शहर जानता, और आप कह रहे हो नया निर्माण है दरारें पड़ जाती है। मैंने आज DGACB को पत्र लिख दिया है कि इस घटिया निर्माण की जांच कराया जाए। आप में हिम्मत हो तो एक चिट्ठी आप भी लिख दीजिए कि DGACB नॉर्म्स के हिसाब से ये निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ, घटिया क्वालिटी है नहीं है, इसकी जांच करे और कार्रवाई करे। हिम्मत दिखाओ। और मेरे मकान की आप 100 बार चर्चा कर चुके हैं, प्रहलाद गुंजल का मकान, प्रहलाद गुंजल का मकान। आप नवरंग होटल और फुल प्लाजा का 69A में पट्टा मांग रहे हैं, और फिर उससे अटगर आपको कोई खुलजा बाबा, खुलजा सिमसिम अली बाबा 40 चोर मिल गई आपको एक फाइल, और अब नाम हस्तांतरण कर रहे हैं। 2023 का चुनाव तय कर देगा कौन जिंदा रहेगा, किसकी राजनीति खत्म होगी, किसकी राजनीति बचेगी। जवाब दो, DG को पत्र लिखो, मकान के बारे में बताओ, अपने नवरंग होटल और फुल प्लाजा के बारे में। अब शहर की जनता को यह भी बता दो, आप बहुत बड़े विकास पुरुष हैं, बड़े बड़े चौराहे आप खड़े कर रहे हैं, जनता के धन को पलीता लगा रहे हैं। भगवान के लिए चौराहे बनाने के लिए आपने वोट नहीं मांगे, सारे शहर को सड़ा रखा है। कितनी दुर्घटनाएं हो गई, आदमी किस सड़क पर कहां से चलेगा सोचकर चलना पड़ता है। आपने वोट मांगे थे, प्रहलाद गुंजल KDL लाया है, मैं 10 दिन में हटा दूंगा, पावरफुल मिनिस्टर बनने वाला हूं। आप पावरफुल मिनिस्टर भी हटाइए ना KDL।